तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो ब्रीजिंग सेट है कैसे काम करता है, कैसे इसको चलाते हैं, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा ब्रीजिंग सेट है एक ऑक्सीजन और एलपीजी से काम करता है, ठीक है। जो लाल वाली पाइप है ये एलपीजी का है, जो ब्लू वाली पाइप है ये ऑक्सीजन की पाइप है, ठीक है। आप देखो ये रेगुलेटर है, तो जब भी रेगुलेटर को पहले यहाँ से कस देते हैं टेबलन टेप लगा के इसमें सिलेंडर में, और ये ऊपर वाला वाल को ढीला रखते हैं, ठीक है। इसको अगर टाइट रखेंगे और सिलेंडर खोलेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, तो कभी आप इसको ढीला रखिएगा, ठीक है। ये दो गेज है, अब दोनों गेज को बताते हैं क्या करना होता है। सबसे पहले देखिए, आप इस सिलेंडर को इसको ढीला करके और सिलेंडर को ओपन करेंगे, जैसे खोलेंगे तब देखिए ये गेज जीरो में है, देखिए सर ये गेज जीरो में, ये गेज दिखाएगा कि सिलेंडर के अंदर कितना गैस है, कितना पहुँच सके, और ये दिखाएगा कि हम कितना प्रेशर लेके काम कर रहे हैं। तो अभी हम खोल लें, ये जीरो में है, देखो अभी खोला, ये करीब गया 1000 के आसपास, यदि 1000 के आसपास गया कि 1000 का लमसम इसमें हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो अब इसको देखिए, एक केजी सेंटीमीटर में है, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो ये जो इधर वाला है, इसको जब हम ये ऊपर वाला रेगुलेटर टाइट करेंगे तो यहाँ से प्रेशर दिखाएगा कितना प्रेशर आप यूज़ कर रहे हैं ब्रीजिंग करने के लिए, ठीक है। ये यहाँ से जब कितना प्रेशर, अभी प्रेशर यहाँ पर नहीं आ रहा है, ये देखो जैसे यहाँ पर हम देखोगे जैसे इसको टाइट करेंगे तो ये थोड़ा क्या हमारा गेज गिर गया था, ख़राब हो गया था, जैसे यहाँ टाइट करेंगे तो करीब 2 PSI तक का, 20 तक का लेके चलेंगे, ठीक है। ये जो 2 है ना 20, इसको 20 समझो आप। तो यहाँ देखो अभी खोलेंगे तो अभी आवाज़ नहीं आ रही, अब आवाज़ आएगी, देखना ये देखो आने लगी। तो हम इसमें प्रेशर इतना खोलेंगे, गेज हमारा ख़राब रहेगा तब भी हम प्रेशर इतना खोलेंगे, ये पाइप अगर हम ये यहाँ से वाल्व बंद करते हैं तो पाइप ब्लास्ट ना करे, ठीक है। इतना प्रेशर इसमें रखना, ये ऐसा नहीं कि ज़्यादा इसको टाइट कर दो तो पाइप प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और पाइप क्या होगा बार बार खुलेगा या कहीं से फट जाएगा। तो अगर गेज आपका नहीं काम या काम नहीं कर रहा है तो आप उतना प्रेशर खोलिए जितना यहाँ पे रेगुलर आ सके, जितनी आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ जितना आवश्यकता होगा उतना हमने इसको टाइट कर लिया है, ये जितना आप इसको टाइट करेंगे उतने ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा। जैसे कोई पाइप काटना हो या कुछ ऐसा होल करना हो तो ऑक्सीजन के प्रेशर बढ़ा के करते हैं, ठीक है। यहाँ से कर दिया हमने, अब इसमें ऑक्सीजन आ गया है, ठीक। अब ये जो LPG का है सिलेंडर, तो LPG हम पूरा ऑन कर देंगे, इसको रेगुलेटर लगा इसमें सीधा पूरा ऑन कर देंगे। अब इसको हम करके देखते हैं कि कैसे ब्रीजिंग होता है, कैसे चालू करते हैं। अगर देखेंगे इसमें तो एक ये लाल पाइप है, ये LPG है, और ये ब्लू पाइप है ऑक्सीजन है। उसी तरह से ये दो वाल हैं, उसमें भी जो पहला ऊपर वाला वाल है ये ब्लू है, ये ऑक्सीजन का वाल है और ये LPG का वाल है। तो सबको पता होगा कि पहले इसमें LPG को हम खोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले LPG को हल्का सा हम ढीला करेंगे, तो देखो LPG को हम हल्का सा खोल लेंगे। पहले LPG को हमें जलने लगा, LPG ज़्यादा भी नहीं खोलना, फ्लेम यहाँ से कटने लगे, देखो फ्लेम अभी क्या बत्ती में पकड़ा हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हल्का सा हम ऑक्सीजन खोलेंगे, ध्यान ये रखना कि ऑक्सीजन जब खोलेंगे तो ये फ्लेम कटे ना यहाँ से। तो आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना, अगर आपको नया हो आपसे नहीं हो रहा है, ऐसे क्या है पुराने लोग तो ऊपर ऐसे करके फ्लेम इसको बढ़ा लेंगे, आपको नहीं फ्लेम बढ़ा पा रहे हो तो आप किसी प्लेट का सहारा लो, प्लेट के पास ऐसे रखो और फ्लेम, अब ऑक्सीजन को धीरे धीरे यहाँ से खोलना, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन खोलेंगे, देखो जैसे ऑक्सीजन खोलेंगे वैसे वैसे फ्लेम धीरे आएगा, ध्यान रखना। यहाँ से बहुत स्लो बढ़ाना है, देखो जैसे हम बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ से देखो फ्लेम पकड़ रहा है, अब यहाँ से ये देखो जैसे बढ़ा रहे हैं ऐसे, ये जो कट है ये देखो, ये जो है इसको कटने नहीं देना, ठीक है। जैसे बढ़ा लीजिए, अब जितनी आपको आवश्यकता है उतना ऑक्सीजन खोलिए, जितना ऑक्सीजन करेंगे उतनी बत्ती तेज होगी और जितना ऑक्सीजन कम करेंगे उतनी बत्ती का फ्लेम कम होगा। जैसे आपको पतले पाइप को मारना हो तो बत्ती का फ्लेम कम करके मारो, जैसे मोटे पाइप में मारना है तो बत्ती के फ्लेम को ज़्यादा करके मारो, या इससे भी मोटा अगर 7-8 का पाइप है तो और हीट करके आप मारो। तो अगर जितना आपको फ्लेम बढ़ाना है उतना बढ़ा सकते हैं। तो देखिए जैसे LPG हम थोड़ा बढ़ाएंगे तो LPG से क्या और हीटनेस, हीट ज़्यादा करने की शक्ति आती है। LPG से क्या होता है, हीट पाइप ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन से क्या होता है कि फोर्स बनता है, किसी पाइप को काटना है या तेज करना है वहाँ पर जल्दी हीट करना है तो दोनों को हम बढ़ा देते हैं। तो अभी हम नॉर्मल करके देखो इसको हमने बढ़ा लिया ऐसे, अब ऐसे बढ़ा लिया। अब कहीं भी कोई जोड़ हो या खोलना हो तो खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई जोड़ जोड़ना हो तो क्या करेंगे, तो ऐसे जो पाइप रख लीजिए, एग्जाम्पल दिखा रहे हैं आपको, तो ये देखिए वो ऐसे ब्रीजिंग रॉड आता है, कोई भी जोड़ जोड़ने के ऐसे ब्रीजिंग रॉड से काम करते हैं, ठीक है। देखो क्या करें, दोनों के जोड़ों के बीच में हम हीट करेंगे, हीट ऐसा करेंगे कि आपको लाल दिखने लगेगा ये एरिया, जब लाल दिखने लगेगा ना, या जैसे देखो अभी ये हल्का सा यहाँ पे ये ब्रीजिंग रॉड रख देते हैं आपको दिखाने के लिए, देखो जब ये लाल दिखने लगा ब्रीजिंग रॉड जो रखा हुआ है पिघलने लगे, तो समझो कि पाइप अब हीट है, अब ब्रीजिंग करने लायक पाइप हो गया,
अब इसमें क्या करें, हल्का सा ब्रीजिंग राड को ऊपर रखेंगे और फ्लेम को थोड़ा पीछे रखेंगे। फ्लेम ऐसे करोगे तो जल्दी गिर जाएगा सर, ध्यान रखना ये भी है। जैसे यहाँ फ्लेम करके आप छोटे से नजदीक करके मारे तो पाइप गल जाएगा और ब्रीजिंग रॉड रुकेगा नहीं। आपको ब्रीजिंग रॉड यहाँ रखना, फ्लेम को कम से कम 3-4 इंच दूर रखना है। जैसे देखो 4 इंच दूर रखो, हल्का फ्लेम देखो दे रहा हूँ, ये देखो एक बार कर दिया। अब इसमें चाहो डबल कर दो, ये देखो इसमें हबड़ाना नहीं है। हबड़ाओगे तो पाइप कट जाएगा या होल हो जाएगा, ये नहीं किया ऐसे गर्म करके या ऐसे करोगे पाइप कट जाएगा। और हल्का सा फ्लेम है एकदम करके, ये देखो इधर का होल ये हो गया। देखो इस साइड ये वेल्डिंग हो गया है। अगर पाइप लाइन है तो आप दूसरे साइड जाके घूम के उस तरफ से मार सकते हैं। अभी ये है, अगर ऐसा है तो इसको हम ऐसे देखो करके रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से कर देंगे। अब देखो इस साइड का एरिया है, ये देखो। फिर इसको हल्का धीरे धीरे ऐसा हिल करेंगे पाइप यहाँ लाल दिखाई देने लग जाए, ठीक है। क्योंकि आपने टेम्परेचर को रखे नहीं है तो देखो लाल ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे, ठीक है। बत्ती को फ्लेम पूरा वहां नहीं करना है, अगर सटा के बहुत मारोगे आपका नहीं होगा वेल्डिंग, ठीक है। कई लोग क्या सटा के मारते हैं तो नहीं होता है वेल्ड। अब देखो ये इस तरह से देखो ये वेल्ड हो गया है, ठीक है। अब इसको देखोगे तो कहीं से इसके लीकेज नहीं बचा, देखो ये पूरी तरह से वेल्ड हो चुका है। देखो इसे चाहो तो जहां से फाइंड करो इसमें, अगर आपका कहीं पाइप लाइन है तो वहां पर शीशा का यूज कर सकते हैं। ठंडा करने के बाद शीशा का यूज कर देखिए, आप चारों तरफ से कहीं से भी कोई होल इसमें लीकेज की संभावना नहीं है। अगर आपका जैसे कहीं ऐसे जगह पे जहां दिख नहीं सकता सामने से, तो इस तरफ शीशा लगा के भी आप देख सकते हैं कि हमने जो वेल्ड किया है वो है कि नहीं। अब इसी तरह से इसको खोलने का भी जुगाड़, जैसे हमने ये जोड़ दिया है, जैसे ऐसे मान लो कोई कंप्रेसर जुड़ा हुआ है, अब खोलना है आपको तो जिस पार्ट को बाहर निकालना है उसमें पिलास लगा लेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। ऐसे नोचेंगे नहीं, ऐसे या खींचोगे या नोचोगे तो टूट जाएगा। आराम से इसको हीट हो, जब हीट होगा खुद ये दिख जाएगा हीट हो गया, और हल्का सा सपोर्ट करेंगे पाइप लाइन बाहर आ जाएगा। देखो बिना किसी सपोर्ट का ये बाहर आ जाएगा। देखो अभी हीट करना है, इसको सेंटर में हीट करना है, ना कि एक पर्सन पे नहीं करना है। अगर यहाँ पे कोई कमजोर आइटम है, कोई छोटा चीज है, तो उसको हीट ना करके मोटे वाले को हीट करना है। जैसे एक्सपेंशन वाल पाइप पे जोड़ते हैं तो एक्सपेंशन वाल पे हम कम हीट रखते हैं और पाइप पे ज्यादा हीट रखते हैं, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अभी ये पतला पाइप है थोड़ा, ये मोटा पाइप है, तो इसको कर रहे हैं और ये यहाँ से देखोगे आराम से देखो छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से ये वेल्डिंग हमारा छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर छोटा पाइप भी है, अगर आपको छोटे पाइप में करना है तो देखो ऐसे ये पाइप को गर्म करो, जो छोटा पाइप होता है ना थोड़ा कम गेज का होता है, उसमें गिरने की संभावना ज्यादा रहती है। देखो इस तरह से आप पाइप को जोड़ सकते हैं। जैसे एनआरबी हम लगाते हैं तो एनआरबी में क्या होता है, ज्यादा इसमें हीट को तो गल जाएगा पाइप। एनआरबी पे यहाँ हीट नहीं करना, इसके कॉर्नर पे हीट देना, जैसे हीट दोगे ये हीट पकड़ लेगा। तो इस तरह से ब्रिजिंग सेट काम करता है। अब बंद करने की बारी आती है, तो बंद कैसे करना है। अब कई लोग कहते हैं कि एलपीजी पहले बंद करे, ऑक्सीजन पहले बंद करे, तो अगर ऑक्सीजन का भी फ्लेम अगर बढ़ा देंगे तो भी बत्ती बंद हो जाएगी, और डायरेक्ट एलपीजी बंद कर देंगे तो भी बंद हो जाएगी। तो देखो दोनों में से कोई कर सकते हो, बस ये ध्यान रखिए बत्ती बैक ना मारे, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन का हम फ्लेम तेज कर देंगे तो भी बत्ती बंद हो जाएगी। ये हमने बंद किया, बंद हो गया, तेज किया, अब यहाँ एलपीजी का बंद कर दें, यहाँ से ये बंद कर देंगे, इस तरह से ये बंद हो गया। फिर आपको चालू करना है तो एक बार देखो, फिर एलपीजी को पहले सबसे पहले एलपीजी को खोलना है। एलपीजी यहाँ से हमने ऑन किया, एलपीजी की जब ऐसे फ्लेम हो गया, अब एलपीजी पूरा भी नहीं ऐसे खोल देना, ऐसे पूरा भी नहीं खोलना ज्यादा, ठीक है। तो देखो ऐसे एलपीजी मतलब इसके फ्लेम से एलपीजी दूर ना हो, एलपीजी ऐसे जलने लगा, अब धीरे से हल्का सा ऑक्सीजन पहले खोले, ऐसे झटके से खोलोगे तो बंद हो जाएगा। बहुत स्लो मोशन में इसको ऑक्सीजन को खोलो, ठीक है। जहां ये फ्लेम कटेगा वहां बंद हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना फ्लेम कटे ना, एकदम बत्ती को पकड़ा रहे। देखो देखोगे आप बत्ती को पकड़ा हुआ है फ्लेम हमारा, और धीरे धीरे वह ऑक्सीजन को बढ़ा रहे हैं। अब वैसे हमें बत्ती तेज होती जा रही है, उसका धार बनते जा रहा है। जैसे कोई पाइपलाइन काटने की बारी आती है, तो कोई जो बीच की फ्लेम है ना ब्लू जो जल रही है, ये ऑक्सीजन का फ्लेम है। इसको जब हम तेज कर देते हैं ना, इसको जब तेज कर देंगे तो हमारा कोई पत्ती होल हो जाएगा। जैसे हम किसी चीज को काटना हो तो उसको जैसे काटने के लिए क्या करते हैं, देखो जैसे हम कोई पाइपलाइन को काटना है या कोई प्लेट काटना है, तो
थोड़ा सा एलपीजी को बढ़ा देंगे और ऑक्सीजन के फ्लेम को तेज कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन से काटना है। देखो ये हम ये ध्यान रखना है, ये देखो हम ये पॉइंट जैसे वहाँ आएगा कट गया, देखो बाहर हो गया, ठीक ये काटेगा, ये इससे कितना करो ये हल्का गल जाएगा वहां से। अच्छा जहाँ ये फ्लेम पकड़ेगा वहां से काट देगा, ये देखो ये यही गलती होती है, फ्लेम तेज रहता है और पाइपलाइन के एकदम नजदीक चला जाता है, जहां वो जाएगा ये काटना चालू कर देगा। ये देखोगे यहाँ से, ये देखो इस तरह से हमारा ये, अब देखो अभी हमने ऑक्सीजन बंद करके दिखाया था, अब डायरेक्ट एलपीजी बंद कर दिए, फिर ऑक्सीजन बंद कर दो, तो दोनों तरफ से बंद हो सकता है, ऐसा कोई ये नहीं कि कौन सा पहले बंद करना है। हाँ चालू करने में है, सबसे पहले आपको एलपीजी चालू करना है फिर ऑक्सीजन चालू करना है। तो इस तरह से हमारा बत्ती काम, ये ब्रीजिंग सेट काम करता है। इस तरह से आप लीकेज या कोई कंप्रेसर बदलना हो या कुछ भी करना हो, इस तरह से करके आप कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।